साइबर सिटी गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 5 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी अमित जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अमित फ्रॉड के मामले में पहले भी पुणे जेल में बंद रह चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी दिल्ली के द्वारका में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाता था। आरोपी इस फर्जीवाड़े में आधा दर्जन लड़कियों को शामिल कर ऑनलाइन फ्रॉड के गोरख धंधे को ऑपरेट करता था। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के युवक की शिकायत पर पुलिस ने गहनता से जांच शुरू की, तब जाकर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ। गुड़गांव पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए वहां से उस कॉल सेंटर में काम करने वाले 5 लड़कियों को तथा उनके टीम लीडर को गिरफ्तार किया है। आपको बताऊं, आपकी सूचना के लिए पुलिस के पास इससे पहले 3 या 4 ऐसे दरखास्तें आई थी जिसमें यह पता लगा था कि बैंक एम्प्लॉय बनके फर्जी टेलीफोन नंबरों से पब्लिक के पास फोन आते हैं और विक्टिम को बैंक की भाषा में, बैंक के एम्प्लॉयज की भाषा में बात करके उससे उनकी डिटेल, इसके साथ साथ वन टाइम पासवर्ड जो जनरेट किसी भी ट्रांजेक्शन से पहले होता है वो उसके उनको बहला फुसला के उनको बातों में लेके हासिल कर ले जाता है और वन टाइम पासवर्ड के आने के बाद ये लोग उसके खाते से पैसे निकाल लेते थे। ये आरोपी लोगों के पास बैंक कर्मी बनकर फोन करते थे। बातों ही बातों में ये लोग भोले भाले लोगों से ओटीपी नंबर और एटीएम और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल कर लेते थे। इस खेल में शामिल 5 लड़कियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अमित को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की है। ये फर्जीवाड़ा इनका काफी दिन से चल रहा था, करीब सितंबर से इस कॉल सेंटर को दिल्ली में चलाया जा रहा था और इसमें कुल मिला के 8 व्यक्ति काम करते थे। इस तरह से ये लोग अब तक की जो हमारे पास सूचना उपलब्ध हुई है, जो हमने इनके खाते खंगाले हैं या फिर जो इनके मोबाइल फोन को खंगाला गया है, ये पता लगा है कि करीब 100 से ज्यादा लोगों को ये इस तरह से अपने जालसाजी का और धोखाधड़ी का शिकार बना के उनके लाखों रुपए अब तक ठग चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें तो आए दिन 6 से 7 मामले साइबर अपराध के आते हैं। इसमें से 3 से 4 एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के होते हैं। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं कि किसी को भी अपने बैंक के डिटेल्स ना दें, क्योंकि आपके एटीएम या क्रेडिट कार्ड का ओटीपी नंबर जानने का हक किसी को भी नहीं है। टोटल न्यूज के लिए गुरुग्राम से सुशील सिंह की रिपोर्ट।